साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। कानपुर हिंसा में जमानत पर छूटे 5 संदिग्ध, रडार पर पीएफआई के सक्रिय सदस्यों की एनआईओ को तलाश, 2 संदिग्ध बासमंडी से उठाए, 1 फरार। बाराबंकी में नाव पलटने से 30 डूबे, 3 की मौत, युवक बोला मैंने 5 लोगों को पानी से बाहर निकाला, 3 घंटे लगातार किया रेस्क्यू। फर्रुखाबाद में बहन प्रेमी का गला काटने वाले भाइयों के खूंखार चेहरे, 1 घंटे बाद दोनों को डंडे से पीटा, फिर चाकू से गला रेत कर मारने तक तड़पता हुआ देखा। कानपुर में भिखारी गैंग में शामिल माँ बेटे अरेस्ट, कानपुर में लड़कों और महिलाओं को करते थे किडनैप। गाजियाबाद में नरसिंहा नंदगिरी पर एफआईआर, यति पर कहा पृथ्वीराज चौहान ने किसी हिंदू को नहीं छोड़ा, यही काम आज हो रहे। आजमगढ़ में किसानों के आंदोलन को धार देंगे टिकैत, जमीन अधिग्रहण के विरोध में 28 दिन से किसानों का चल रहा धरना प्रदर्शन। कानपुर में तेंदुआ से बचने का अनाउंस, अग्निवीर भर्ती के लिए पहुंचे युवाओं में दहशत, पूर्व बसपा एमएलए ने स्वीकारी 100 करोड़ की अधिघोषित आय, 12 शहर 35 ठिकाने पर 85 घंटे चली आईटी की सर्च। रिपोर्ट दिखाकर मुफ्त में पीजे डेंगू चाय, प्रयागराज में चाय विक्रेता की अनूठी पहल, दिन भर डेंगू चाय पीने वालों की लग रही भीड़। इटावा में डीएपी की किल्लत, अधिकारी खाद होने का कर रहे दावा, किसान बोले घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा डीएपी। बलरामपुर में ट्रक से लाखों की बेशकीमती लकड़ी बरामद, टीम ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, साखू के पेड़ों का हुआ था अवैध कटान। बिजनौर में गंगा स्नानों के दौरान डूबा युवक, दोस्तों संग उधम सिंह नगर में आया था। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, 1 गंभीर, अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर, संभल से दिल्ली जा रहे थे सभी। फतेहपुर में संदिग्ध हालात में युवक की मौत, परिजन बोले शराब पीने का था आदि, खाना खाने के बाद सो गया था। पड़ोसी ने की दरिंदगी, 5वीं क्लास में बच्ची हुई गर्भवती, बोली पेट में भारी लगता है, बहुत दर्द होता है, मन करता है इसे निकाल दो। सुल्तानपुर में 3 सीओ के कार्यक्षेत्र में बदलाव, एसपी ने 26 दरोगा का किया तबादला, 56 सिपाहियों के स्थान भी बदले। उन्नाव में रिश्वत लेने वाला बाबू निलंबित, सीएमओ ने की कार्रवाई, छात्र से मेडिकल बनाने के नाम पर मांगी थी रकम। फर्रुखाबाद में फंदे से लटका मिला युवती का शव, परिजनों का कोचिंग संचालक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। मुजफ्फरनगर में शिया धर्मगुरु से 25 लाख की धोखाधड़ी, मस्जिद निर्माण के लिए जमीन खरीदने को दी थी रकम, बेमाना दूसरे को किया। कुशीनगर में एसओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, बिना सूचना गैर जनपद दबिश देने पहुंची थी पुलिस। कानपुर में डेंगू ने तोड़ा 2 साल का रिकॉर्ड, पॉजिटिविटी रेट 33% के पार, बुखार आने के बाद अचानक गिर रही प्लेटलेट्स। बागपत में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहनों पर लगा रहे रिफ्लेक्टर टेप। झांसी में संजय वर्मा की 109 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 2 मकान और 14 हेक्टेयर जमीन जब्त। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी गिरफ्तार, सराफा व्यापारी से लूट की वारदात में था शामिल। सुल्तानपुर में प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर हादसा, बाइक से लौट रहे रेलवे के वरिष्ठ माल बाबू को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हालत गंभीर। बुलंदशहर में जमीनी की रजिस्ट्री को लेकर हुआ 2 पक्षों में विवाद, विवाद के दौरान एक पक्ष ने लोगों ने की फायरिंग। गोंडा जिला महिला अस्पताल में चल रहा धड़ल्ले से रिश्वतखोरी का कार्य, रिश्वत लेते दिख रहे जिला महिला अस्पताल के कर्मचारी। हमीरपुर में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, पति की हत्या में नामजद विधवा महिला का पुलिस ने बनाया चरित्र प्रमाण पत्र। लखनऊ में रोडवेज में 75% अनुबंधित चलेंगी बसें, प्रमुख सचिव ने एमडी को पत्र जारी कर नियम को पलटा।
हमीरपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जगह मजदूरी कर रहे स्कूली बच्चे, किताब की जगह फावड़ा चलाने की दी जा रही ट्रेनिंग। अलीगढ़ पहुंचे सांसद सतीश गौतम, बोले डेंगू बीमारी से मौत नहीं हुई, घबराने से प्लेटलेट्स डाउन हो रही है। बुलंदशहर में विद्युत संविदा कर्मी की मौत से नाराज ग्रामीण ने किया बिजली घर का घेराव। अलीगढ़ में जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग करते हिंदूवादी नेता को मिली जान से मारने की धमकी, मारने की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर खनन माफिया कर रहे खनन, अंधेरे में खनन का वीडियो हो रहा वायरल। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद में वहीं मुख्यमंत्री के आदेशों की खिल्लियां उड़ाते दिखे अधिकारी, खुलेआम जमकर हो रहा नशा। हरदोई में गंगा स्नान करने गए युवक की नदी में डूबने से मौत, कार्तिक पूर्णिमा पर दोस्तों के साथ गया था मृतक, नहाते वक्त बीच धार में फंस गए थे तीनों। कानपुर में रिजवान सोलंकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विधायक आवास में की छापेमारी, परिवार की महिलाओं ने बनाया पुलिस का वीडियो। हरदोई में विकास के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों, नहीं बन सकी नगर पालिका की सड़क, स्थानीय निवासियों ने 54,000 खर्च कर खुद बनाई सड़क। कासगंज में आपसी कहासुनी में नाराज तमंचे से किया फायर, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किया शांत। लखीमपुर खीरी में यातायात माह का हुआ शुभारंभ, एसआई संजीव कुमार तोमर ने यातायात को लेकर लाखों को किया जागरूक। लखनऊ में न्यायाधीश के घर में दबंगों ने किया हमला, दबंगों ने पूरे परिवार सहित न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी दी। लखीमपुर खीरी में मछली मारने गया युवक लापता, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, 8 घंटे से छानबीन के बाद भी नहीं लगा सुराग। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात, असफल होने पर राहगीरों पर छोंका फायर। मैनपुरी में गौकशी कर अवशेष फेंकने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़, पुलिस ने 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। संबल में राजकीय महाविद्यालय प्रशासन की गाइडलाइंस को ठेंगा दिखा रहे जिम्मेदार लोग, महाविद्यालय में नहीं पानी पीने की व्यवस्था। सीतापुर में सहारा समूह में निवेशकों को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जिला अध्यक्ष ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रयागराज में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की प्रतिमा, अराजक तत्वों ने प्रतिमा तोड़कर धान के खेत में फेंका। संभल में मकान में काम को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों में से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप, जनपद में 107 कुल हुए मरीज, जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड फुल। संभल में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे बाइक सवार 3 लोगों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा, हादसे में 1 की मौत। रायबरेली में पुलिस ने चोरी की घटना का किया अनावरण, शारदा नहर के पास हुई थी लूट, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को किया गिरफ्तार। सीतापुर मंडी में चल रही धान खरीद का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लखनऊ क्राइम ब्रांच को मिली सफलता, क्राइम ब्रांच के हत्थे छड़ा खूंखार शातिर अपराधी लोकनाथ सिंह, कई संगीन मामले में है आरोपी। अलीगढ़ में की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में लगी आग, बस में मौजूद 1 की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। गोमती नगर के शिरोज रेस्टोरेंट के बाहर स्टैंड कर रहे बाइकर्स पर सिकंजा, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने कसा सिकंजा। सीतापुर के सिधौली में एक बार फिर बीच की दुकान में हुई छापेमारी, नहीं मिली किसी भी तरह की एक्सपायरी और गलत दवाएं। कानपुर में जमीनी विवाद में सपा विधायक और उनके भाई रिजवान के ऊपर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, लापरवाही बरतने पर एसओ जाज मऊ निलंबित। सीतापुर में टुकड़ों में मिली महिला का शव, शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, बेरहमी से की गई महिला की निर्मम हत्या।
सीतापुर में ट्रेन से कटकर 20 वर्षीय युवक की हुई दर्दनाक मौत। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। उपचुनाव में सपा रालोद गठबंधन का ऐलान, मैनपुरी रामपुर में सपा, खतौली में रालोद प्रत्याशी होंगे मैदान में। संत कबीर नगर में भुगतान को लेकर सीडीओ पर सवाल, बिना टेंडर के कैसे नियुक्त किए गए कार्य प्रभारी, विधायक पर भी हैं आरोप। वाराणसी में कांग्रेसियों ने सीएमओ ऑफिस को घेरा, प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष बोले डेंगू के मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं। फिरोजाबाद में नगर निगम ने बंदर पकड़ने का अभियान चलाया, महापौर ने लिया जायजा, एक दिन पहले बंदरों ने हमले में कारोबारी की गई थी जान। बागपत में ऑनर किलिंग, प्रेमी के साथ चली गई थी बहन, वीडियो कॉल पर दोनों बाहों में बाहें डाले नजर आए, भाइयों ने ढूंढ कर मार डाला। नोएडा में सिरफिरे ने लड़की को तीसरी मंजिल से फेंका, नोएडा में लिव इन में रहते थे, लोगों ने कहा मैं इसका भाई हूं, लाश होकर। महाराजगंज फेसबुक लाइव करके अपना गला काटा, लड़की ने बात करने से किया इनकार, 20 दिन बाद उसी से होनी थी शादी। दादरी में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, एक पक्ष के 3 लोग घायल, पुलिस ने सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। मैनपुरी में यूरिया मिलाकर तैयार हो रही थी कच्ची शराब, पुलिस ने मारा छापा, एक तस्कर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में माल बरामद। बागपत में रात में घर में लाखों की चोरी, सोने चांदी के जेवरात किए पार, सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी पुलिस। पिता की मौत के सदमे में बेटे ने तोड़ा दम, मुखाग्नि के देने के बाद आया था अटैक, केजीएमयू में चल रहा था इलाज। बहराइच में घर में घुसा मगरमच्छ, 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा, जंगल में छोड़ा। मेरठ में परिजनों ने महिला को बनाया बंधक, 3 साल तक घर में कैद रखा, पढ़ाई छुड़वाई, पड़ोसी से प्यार करने की मिली सजा। मऊ में सीआरपीएफ जवान की पीट पीट कर हत्या, संपत्ति बंटवारे को लेकर भाइयों से हुआ था विवाद, सैनिक छुट्टी पर आया था घर। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।